ऊपर हट जाओ, ठीक रहोगा, जिंदा रह जाओगा। कांग्रेस ना कांग्रेस है महाराज यार, तो तेल गलवा लिया, जीवर ले आगे खड़ी कर दी, थोड़ी बार ना दारू पानी पी के सिम बैठ के आराम से करा जाऊंगा। 100 रुपया तम दे दो तो तारा जयकारा बोल दे, अगर 150 में बोल दो तो मेरा जयकारा लगा दे, दल बदलवा कोई आदमी को नहीं। ये बात सही है, काम करे दलाल ने, काम करे हल्के में दलाल ने, यह सच्चाई है। तमीनी करो, ये सारा पागल है ना, मन को मामला मुड़े पूछ लो। ये राजस्थान का डरपोक्स है, बीजेपी फिर मनाओगी हरियाणा में, बारला डरपोक नहीं, पूरी गरीब जनता को चूस लिया इसने। मोदी 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 जुमला 15 लाख खड़ा, और काम देखो दलाल साहब ने भी किए हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झल को हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है, और फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ हरियाणा के अंदर लोहारू के अंदर। भैया आपने जो सही नाम है लोहारू है, और अपनी आम भाषा में बोला कर लोहारू, तो लोहारू के अंदर आप पहुँचे हाँ, और बताना चाहूँगी कि भाई आज आप बातचीत करांगा राजनीति को ऊपर, और अभी फ़िलहाल भाई बहुत सारा लोग ही जो छोटी सी एक थड़ी है बिको ऊपर बैठे हैं, यानी कि ताश पत्ती है वह खेलन लाग रहे हैं, तो बातचीत करांगा कि भाई लोहारू को कसो के माहौल है, और चुनाव को ऊपर भाई लोग के कुछ बोलना चाहें ही, तो बातचीत कर सा कि बारे के चल रहे है थारे लोहारू के अंदर कांग्रेस कहीं लाग रहे हो कि भाई कांग्रेस अब की बार अपनो खट्टर थे नायब सैनी थे बीजेपी ने छकली जनता जी दुखी हो लिया लोग, मतलब छकली है तो के बात सो छकली है, बेरोजगारी महंगाई ठीक है, बदमाशी गुंडागर्दी और क्या चाहिए, कोई काम नहीं है, बेरोजगार घूमे ही हुआ है। खाद बीज का रेट बढ़ा दिया, खाद का कट्टा 50 किलो आ गया 45 का कर दिया और रेट दुगुना कर दिया। यहाँ जो भी जितने भी चीज बन रही है वो सब कांग्रेस की बढ़ाई हुई, बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स वीडियो ब्लॉक हॉस्पिटल दोनों तीनों कॉलेज सब कुछ कांग्रेस ने करेड़ा हो रहा, तो बीजेपी भी तो कुछ करे होगा, खोरियो ही गोल लगा एक फिर इतना दिन जनता वोट दे की क्या जीता। मोदी 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 जुमला 15 लाख खड़ा, 15 लाख का जुमला मोदी ने मारा जी, मोदी की वजह से। मैं तो तेल गलवा लिया, जीवर ले आगे खड़ी कर दी, थोड़ी बार ना दारू पानी पी के सिम बैठ के आराम से करा जाऊंगा। दारू पानी पी के जाओगा, ये तो गलत काम है थारो, तो के करा दो ठाली पड़े के करा बताओ, तो नशा तो नहीं करना चाहिए, नशा ही करना चाहिए। हाजी ताऊ जी क्यों रहे थारे बीच में कंपटीशन था, फिलहाल दोनों बराबर चल रहे, बराबर चल रही, कौन चल रहा है बराबर बताओ सर, जेपी दलाल दोनों बराबर है फिलहाल, तो आगे देखो क्या हो माहौल। अच्छा कांग्रेस और बीजेपी बराबर है, बराबर चल रहे जी। अच्छा और भैया थाने के लगा है कि भाई भाई वो है। भाई कोई की मैं सोच कोई नहीं, वो आगे सोचियो जागो देखी थे कि नबकी बार वोट गेरो हो भाई, मैं तो देखो भाई साथ गेरा ये केक से पत्थर गिरना पड़ा, ये फिलहाल तो माहौल बराबर है दोनों का, के मुद्दा पर अब की बार वोटिंग हो भाई, भैया मेरे को ध्यान में के मुद्दों करेंगे लोग, जमींदार के करेंगे। अच्छा तो जमींदार की बात है कौन बता सकोगे ना, मैं बता दी है जी, तो ये क्या ही फेर है, ये मायावती का आदमी है सारा, ये मायावती ने वोट देगा। अच्छा। और तमीन ही करो, ये सारा पागल है, अपनो दियो ही करना है, मायावती ने दूंगा भाई। हाँ की बार राजनीति में क्या चल रहा है, खराब हो सिरकी को सही, बदलाव है जी बदलाव, क्या की मतलब बदलाव है जनता, क्या कांग्रेस कांग्रेस जनता के लिए, कांग्रेस के बारे में क्या सोचो थे, सोच रहे हैं जी कुछ तो करेगी, इससे तो अच्छा ही करेगी, पहले भी अच्छा करा है अब भी अच्छा ही करेगी। क्यों उम्मीद है, मतलब क्या था मुद्दा ही कि भाई बन को ऊपर थे वोट दोगा और भाई यो काम में करवाना चाहवा। हाँ मुद्दा तो है जी, बेरोजगारी है, सुरक्षा भी है, और कुछ जमींदार व्यापारी भाई सबकी है जी। तो जो प्रेजेंट पर विधायक जी हबा को क्या सपोर्ट रही हो, उसका भी सपोर्ट तो होता है जी, काम तो करे दलाल ने, ये बात सही है, काम करे दलाल ने, काम करे हल्के में दलाल ने, यह सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन बीजेपी की हवा निकल गई हरियाणा, दलाल ने काम करे, ये हवा काट दी गई, निकल गई, बता दी मोदी का जुमला था जी, मोदी ने सब बेवकूफ बना के लोगों ने वोट ले लिया, ये कौन मोदी भी कौन हवा के लोगों को मानस है, बीजेपी आएगी जी क्लियर यहाँ पर, बीजेपी आवेगी बिल्कुल जी, कुछ लोग बड़ी नहीं बैठे हैं भाई, बोला कांग्रेस आवेगी अब की बार, के मामलो जी बिकाऊ आदमी है कि मैं भी कह सके जी। अच्छा। लेकिन बीजेपी सरकार से हम बहुत ही खुश हैं, 10 साल का शासन में बहुत बढ़िया काम कर रखा है जेपी दलाल जी ने, और हम बहुत खुश प्रसन्न है जी बीजेपी सरकार से, और कहने तो लोग कुछ भी कह सके जी, जितनी मुंह उतनी बात है, बाकी क्लियर बीजेपी है जी, 60+ सरकार बनेगी, तो बीजेपी ने थे जाए की बोल रहे हो की भाई बीजेपी की सरकार आओगी, तो बीजेपी की सरकार आवेगी तो थारा
के कुछ थे और काम करवाना चाहो और आ साल के काम हो है। बहुत सा काम नहर में पानी आ गया ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची बालक नौकरी लगन लग रहा जय घर हम चुन को नहीं उनका बालक जी नौकरी लगन लग रहा कांग्रेस सरकार में कदम हम तो इतनी नौकरी कौन देखी जी और नहर में कदम पानी कौन देखो जी ये भरी तल नहर सारा दिन जी चाहे पांच मोरियां तो पांचों खोलो दस मोरियां दसों खोलो नहर की जी कांग्रेस सरकार में हमने कदम नहर में पानी नहीं देखा जी नहर बिल्कुल खाली रहे करती आवारा पशु जो भेड़ बकरियां ने भी पानी को मिले करता जी नहर खाने पीने खातर और अब जी बिल्कुल भरी चल है जी ऊपर तक ये काम धंधो की शौक चल रही काम धंधो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है बोल रहे थे नमो सारा वोट हमारे दो बीजेपी का ही है दल बदलवा कोई आदमी को अभी अभी उधर मायावती का नाम ले रहा था अभी अभी जेपी का नाम ले रहा है 10 साल में क्षेत्रीय पार्टी सारी खत्म कर दी जी अब टक्कर दो ही है कांग्रेस और बीजेपी और हरियाणा के अंदर फिर से बीजेपी आएगी जी के कुछ काम हो ही और के चाहो हो अरे बढ़िया काम होया है बीजेपी को बढ़िया काम करियो के काम करियो बढ़िया के काम नहर में तो पानी ले दियो जी और लोहारम नौकरी मिलन लारी बढ़िया रोड बनवा रखे है ना गुंडा कर दियो है ने रोज कांग्रेस में दूत बाजा कर तुरे केड़ा ठा लिया पिज्जा को दिया करता ने कोई सामान ले तो पिज्जा को दिन अरे जी बढ़िया काम है ना तो गुंडा कर दियो है ठीक है काम करो हो गाड़ी चलाया करा जी टैक्सी बढ़िया काम करे सरकार बढ़िया हम तो संतुष्ट सांस हाँ जी नमस्कार अंकल जी मुड़े पूछो मैं तो बताओगे ना मैंने कॉल पर मामला मुड़े पूछ लो तो वोट तो देगा कोई नहीं वोट मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ मेरे को पता नहीं चला मैं राजस्थान राजस्थान का ही तो भाई और भी काफी लोग आ रहे हैं डरपोक बहुत से मार ला हरियाणा डाल डरपोक को नहीं है ये राजस्थान का डरपोक्स है अच्छा। हाँ बोला कांग्रेस सरकार बनाएगी मोदी तो डर के सारा बीजेपी का वोट गिर गया मारला डरपोक को नहीं बीजेपी फिर मनाओगी हरियाणा में अच्छा थे किन दे रहे हो वोट हमें तो किसी ने को नहीं दे ये बताओ ही को नहीं दे और जो कांग्रेस जी ये मरोड़ी सुनो जी मरोड़ी भैंस होने उन्हें चिच्चर भी छोड़ के चाल पड़े से तो यह बीजेपी मरोड़ी भैंस है और जो चुचड़ा के चिपटो रह जागो ने वो चामड़ा के साथ गिरज भी उन्हें खा जाएगा देख लो तो इब काल है बीजेपी तो पर हट जाओ ठीक रहोगा जिंदा रह जाओगा कांग्रेस ने कांग्रेस से मारा से यार कांग्रेस मार ला है नहीं कांग्रेस के अंदर जब तक टिकट नहीं मिली थी तब तक अपनी आपस में नेताओं की होड़ थी अब सभी कांग्रेसी एक है नेता है मारा से हम आज इनके खिलाफ के थे अलग मेरे आदमी मेरा जो लीडर था उसके साथ में थे हम अलग टिकट मांग रहे थे लेकिन आज मन हम तन मन धन से जो है राजवीर के साथ में है क्योंकि हमें सरकार बनानी है कांग्रेस के अंदर सरकार में 90 उड़ते हैं वो 45-40 उड़ते ही है अब की बार जी आप क्या बात कर रहे हो 70 सीट के लगभग सीटें आएंगी आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार सही बात है कि सही बोल रहे हैं गलत नहीं गलत नहीं अजय पिछली बार हमने हरियाणा के अंदर हाफ किया था लोकसभा के अंदर और अब की बार हम साफ करेंगे इनको बात है विकास की इसमें कौन सा दौर है स्वतंत्र अधिकार है आप कहीं भी डालिए कांग्रेस को डालिए बीजेपी को डालिए लेकिन यही हल्के में 17 साल से कोई विकास नहीं हुआ था और अब की बार देखो नहरों में पानी मुआवजा किसान को क्या चाहिए अभी मिला है ठीक है जी और फीडर हमारे देखे 13-13 फीडर यहाँ बिजली पानी आप चुप रुकिए बिजली पानी की व्यवस्था किसान को जो चाहिए थी वो मिल गया है तो इसलिए रुख ज्यादा बीजेपी के कर रहे हैं लोगों का काम हुआ है मंत्री जी ने बड़े काम किए हैं बीजेपी सरकार ने बहुत काम किए हैं यहाँ सबको दोहराए नहीं बीजेपी जी को ज्यादा लाग रहेगी बिल्कुल 101% प्लस में ही है कुछ बताओ अंकल जी अब नहर ये बता दें पानी लेके आए नहर कौन लेके आए यहाँ हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल लेके आए कांग्रेस की सरकार थी अजी कैसे नहीं लेके आया पानी नहरें बनी पूरे हरियाणा के अंदर जाल बिछा रखे चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस की सरकार थी बिजली कौन लेके आया यहाँ चौधरी बंसीलाल लेके आया सड़क कौन लेके आया चौधरी बंसीलाल लेके आया क्या था यहाँ पर कांग्रेस की अगर सरकार थे बनाना चाहो तो मुख्यमंत्री किन बनाना चाहो मुख्यमंत्री हमारा जो ऊपर का नेतृत्व जिसे भी मंजूर करेगा हुड्डा साहब है सैलजा है किसी को भी करेगा वो मंजूर है हमें चौधरी बंसीलाल की बेला को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं मंत्री जी वो जो उनके जो सपने थे चौधरी बंसीलाल को वही तो साकार करने जा रहे हैं और करने लग रहे हैं करेंगे उसमें कौन सी दिक्कत है
हमारे लिए तो सब बराबर है, लेकिन बात विकास के, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल जी, बयान तो बताने की जरूरी को नहीं, क्योंकि थे ऑलरेडी राजनीति की बात करने लग रहा, और अब की बार लोहारू के अंदर थाने के लाग रहा है। लोहारू के अंदर तो जी कांग्रेस की सरकार बननी है, अब की बार कांग्रेस का विधायक बनेगा, क्योंकि बीजेपी से तो लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ पर पहले जेपी दलाल है, कृषि मंत्री था, और अब वित्त मंत्री है, लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। बिल्कुल लोग उससे नाराज है, हर जगह कांग्रेस के वर्कर है और कांग्रेस की लहर बनी हुई है। क्यों जनता के अंदर यो बदलाव आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी झूठ और लूट की राजनीति करी, ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उस बात पे खरा नहीं उतरा। लगभग जो ने एक महंगाई इतनी कर दी, लोगों को कहता था कि बहनों भाइयों आपको 300 रुपए का सिलेंडर चाहिए या 450 वाला, क्योंकि उस समय कांग्रेस में 450-450 का सिलेंडर होता था। तेल आपको 60 रुपए चाहिए या 33 रुपए चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतनी झूठ बोल के लोगों को ठग लिया इस देश को। आज वो डीजल 30 रुपए से लेकर के 30 रुपए जो देने की बात करता था उसने 100 रुपए लीटर जो है कर दिया है। गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, वो 1050 रुपए का सिलेंडर लोगों से लिया है, उसके पैसे वसूल लिए इन्होंने। पूरी गरीब जनता को चूस लिया इसने। अग्निवीर जो लेके आए, ये सबसे बुरा हाल हो गया देश का, क्योंकि देशभक्ति खत्म हो गई बच्चों की। अग्निवीर एक ऐसी सेना इन्होंने बनाई है, 4 साल के अंदर चौथी क्लास बच्चा पास नहीं कर सकता, वो क्या हथियार चला लेगा? वो ट्रेनिंग करेगा या पढ़ेगा या हथियार सिखलाई करेगा? एक बंदूक या कट्टा चलाना सीख लिया, 4 साल पूरे हुआ क्या अपराध करेगा? अपराधी बनेगा आने के बाद। यूथ के सोच रहे है? यूथ तो फिलहाल तो घर परिवार है ना, वो पुरानी जो पार्टी है तो एक लच्छी लग रही है, एक पार्टी छोड़ रहे है तो वही है। बालक भी उसी साइड जाऊंगा, गराला जाऊंगा उस साइड। बालक नहीं, बी साइड तो जाऊंगा, जाऊंगा फिर भी, मतलब थारो की माननो है मेरा भाई की सरकार बननी चाहिए हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए, आम आदमी पार्टी की। और बीजेपी और कांग्रेस को की है? बीजेपी और कांग्रेस का तो ये है, कांग्रेस अब तो ठीक है, पहले तो ऐसे ही थी। तो सबसे पहले तो युवा को तो आम आदमी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा के मैटर में बहुत आई लग है। अब की बार हरियाणा में की सरकार बनेगी, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी को कसो के सिस्टम है, और भी मतलब हरियाणा में कई पार्टी है। बीजेपी पार्टी बनेगी जी, थन की लग है की बीजेपी बनेगी जाए? मेहनत लग गया जी, काम करा रखे बीजेपी ने जाए की के कुछ काम था ना भाई, अच्छा लगे, पसंद आया? बस हमने तो जी बढ़िया लगे जी, बढ़िया काम करा रखे। तो काफी लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई अब की बार कांग्रेस की लहर चल रही है ना जी, हमने तो लग नहीं रही कांग्रेस की लहर चल रही है। बार हरियाणा में के कुछ माहौल चल रहे है? मिल तो जुल तो जी बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों का सेम सा ही वोट है, और तो तीसरों कोई है नहीं, सेम सा है। बीजेपी का भी इतना ही है और कांग्रेस का भी इतना है, लगभग अन कोई सेम सो माहौल, और कोई माहौल के लागे है कि अब की बार अठों लोहारों कौन जीत भाई लेस का है, कौन जीत सके है जी? कोई बात या कौन बता सका, क्योंकि बराबर सी टक्कर है। जितना लोहारू हल्का से कांग्रेस में है, यानी कि वो राजवीर फरटिया बीजेपी में है, जेपी दलाल, तो उनकी बराबर सी टक्कर है। इसमें कोई कौन बता सका जी, कौन सो जीत सका है, कोई भी जीत सका है। जीत होगी तो भी 2-3 हजार वोट ही होगी, ऊपर नीचे ही होता है। केवल 2-3 हजार? हाँ, इतने की जीत। लोहारू हल्का है, यानी कि बीजेपी जीत, दलाल की जीत निश्चित सी हो रही थी। कॉलेज नहीं था जी यहाँ पर नजदीक सी, गरल कॉलेज बन गया, मतलब रोडों पर लाइट होगी, बहुत घना काम है, यानी कि दलाल ने कराए, और किसानों के लिए मुआवजो, और मतलब डिग बनवाना नहर, ये नहर में पानी नहीं आया था जी करीब 30 साल से, इस नहर में पानी आना शुरू हो गया जी, तो मतलब काम बहुत करवाया है जी। आज जो राजवीर फटिया खड़ा हुआ है, ये सोचते हैं कि उनको भी मौका मिले, सारे मौके सब लेते हैं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज वो खड़े हो रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, और मैं दिल से अपने दिल से कहता हूँ कि राजवीर भाई को मौका मिलना चाहिए, वो आए, उनकी भी देखें भाव चाव देखें, कब वो भी मिलें, वो भी देखें कि हमने क्या काम कराया क्या नहीं। आज उसके पास भी कोई टिकट नहीं है, कुछ भी उसके पास पोजेंसी नहीं था, फिर भी वो इतना वो खर्चा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? वो कोई बेस होगा तभी वो लगा रहे हैं, और आज उसको टिकट मिल गई है, तो हम ये सोचते हैं भाई राजवीर भाटिया भाई आए।
हमारे हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे। हम ये नहीं सोचते कि सबको सबको वोट देते, हम जनता ये सोचती है कि भी जनता ये सोचती है कि भी नेता को वोट हम दे के उसको ऊपर करते हैं, और जनता ये नहीं सोचती कि भी हम उसको इस मान लीजिए खुद है इनको हम वोट दे के इनको ऊपर कर रहे हैं, और जनता ये भी देखती है कि भी आने उनको चढ़ा रहे हैं, तो हम ये थोड़ी है कि आज इनको चढ़ा दिया तो वो भी जनता नीचे ही गिरेगी। हमारा मौका ये है कि हम आज राजवीर फटिया को जिताएंगे। राजवीर फटिया बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया सहयोग है, बढ़िया सारा काम है, बस भी चला रखी सारा काम बढ़िया कर रखे राजीव फटिया ने। हम भी हमारा पड़ोसी है, चाचा है, ताऊ है, बीजेपी की करा हाँ, अब बाकी फरटी ना ना बीजेपी बात को नहीं, जो बात उसने कही थी उस बात को कह रहा था मैं, ये बात है भाई सुने उस बात पे कह रहा था मैं तो। अच्छा बाकी बात पर बात बोल रहे हैं पर आप बोल रहे हो अपना राजीव फटिया है सही, अपना पड़ोसी गाँव का लोहारों का ही है, हम भी लोहारों का है, दारी मोड़ का है, हम तो ये कह मालिक इसने मौको दे भाई राजवीर फटिया ने मौको दे भाई। और बात आ गई राजनीति की, तो फिलहाल आज की डेट में राजवीर फटिया की जीत पक्की है। राजवीर फटिया ने बहुत से अच्छे काम किए, समाज सेवा की है, और काम देखो दलाल साहब ने भी किए हैं, खराब आदमी वो भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दायरे में रह के काम किए हैं, ओनली केवल लुवारो लुवारो में, जबकि वो एक कृषि मंत्री होते हुए ना कि पुराने पूरे हरियाणा में काम किए उन्होंने, अकेले लुवारो लुवारो में काम किए, काफी लोगों को मुआवजा दिलवाया है, सारे काम किए हैं। और बाकी राजवीर फटिया के बारे में देखें तो उन्होंने अच्छे से समाज सेवा की है, लड़कियों के लिए बस सेवा भी दी है, तो आज की डेट में राजवीर फटिया को नमन है। अपनी अपनी बात रखी है, तो वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई थारी के राय है। राम राम सा, धन्यवाद। झलको